हमें मिलने वाले हमारे इंडियन आइडल सीजन 13 के टॉप 6 फाइनलिस्ट। हाय गाइस, सब कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हैं। यार गलत चीज हो गया है तो वो मुझे क्लियर करना था और बस। इंडियन आइडल से एविक्ट होने के बाद सामने आया संजुति का पहला स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कह दी ऐसी बात। क्या कहा उन्होंने, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में आगे। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आइडल के इस सीजन का अंतिम एविक्शन भी अब हो चुका है और संजुति दास को शो से बाहर कर दिया गया है। और जब से उनके एविक्शन की न्यूज सामने आई है, तब से उनके फैंस में गुस्सा कम ही नहीं हो रहा है और वो इस एविक्शन को काफी अनफेयर बता रहे हैं। उनका मानना है कि संजुति तो शो से बाहर हो ही नहीं सकती थी, वो तो इस सीजन को जीतने की दावेदार थी। और मैं अगर सच बताऊं तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि संजुति इतनी जल्दी शो से बाहर हो जाएंगी। मैंने तो ये सोचा था कि शिवम या सोनाक्षी में से कोई शो से एविक्ट होगा, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से जनता से उन्हें काफी कम वोट्स मिले थे। तो शो से बाहर होने के बाद संजुति ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो अपने फैंस का धन्यवाद करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही उन्होंने इंडियन आइडल के इस सीजन को बहुत ही यादगार बताया है और उन्होंने कहा है कि वो इस सीजन को अपने जिंदगी भर याद रखेंगी। तो गाइस, आप संजुति दास के एविक्शन से कितना ज्यादा शौक हैं, आपको ये कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही आगे भी ऐसे ही अपडेट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंटरटेनमेंट डिस्क्राइब को। धन्यवाद।